दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज आवर ब्रांड व्हिच इज योर डेटा एंड ट्रैप यू टू बाय प्रोडक्ट्स व्हिच यू डोंट इवन नीड. अभी मैंने रीसेंट के अंदर ही जिम जाना स्टार्ट किया है और ये चीज फेसबुक और इंस्टाग्राम को बहुत जल्दी पता पड़ गई. उन लोगों ने मुझे अलग अलग एड्स दिखाने लग गई, जैसे कि इंस्टाग्राम पे मुझे एड्स दिखी मसल ब्लेस की, प्रोटीन और शेक और विटामिन डी, पता नहीं क्या क्या, मुझे नाम भी नहीं पता इन चीजों. और ऐसी ही सेम एड्स कुछ आने लग गई फेसबुक पे भी. अब मैं ये परेशान हो गया कि यार इन लोगों को कैसे पता पड़ जाता है कि हम लोग कुछ भी अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं डेली लाइफ के अंदर. उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये ब्रांड एड दिखाते हैं ना आपको, ये पूरा का पूरा जाल बिछा के रखते हैं. आपको उनका प्रोडक्ट बाय करना ही करना पड़ेगा अगर आपने इनकी एक बार एड देख के अट्रैक्ट हो गए तो. अब जैसे यहाँ पे मुझे मसल ब्लेस के प्रोटीन की एड दिखी तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे जाकर रिव्यू सर्च किया, वहाँ पे अपन को ऑनेस्ट रिव्यू मिलते हैं. पर वहाँ पे भी मैंने देखा कि ज्यादा सर तो पेड रिव्यू थे. मसल ब्लेस ने यहाँ पे स्पॉन्सर कर रखा था यूट्यूबर्स को अच्छा अच्छा बोलने के लिए, तो वहाँ पे मुझे बहुत सो कॉल्ड अच्छे रिव्यूज मिली गए. बात करते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को कैसे पता पड़ा कि मैं जिम जा रहा हूँ. तो जब भी सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम जैसे ही, हम उनको लोकेशन परमिट जो है वो हमारी दे देते हैं. बहुत टाइम ऐसा होता है कि मेरी लोकेशन फोन के अंदर जो है वो ऑन रह जाती है. तो वहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम ने ये डेटा कलेक्ट कर लिया कि ये बंदा जो है यहाँ पे जिम में एक डेढ़ घंटा बिता रहा है, तो इसका मतलब ये जिम यूज कर रहा है डेली बेसिस पे, जो कि उनका एल्गोरिथम बिल्कुल सही भी था. दूसरा ये हो सकता है कि मैं जिम जाने से पहले जिम शूज के लिए सर्च कर रहा था, मैंने वो खरीदे नहीं थे लेकिन मैं सर्च कर रहा था जिम शूज के लिए, तो वहां से उन लोगों ने डेटा कलेक्ट किया होगा कि अगर बंदा जिम शूज के लिए सर्च कर रहा है तो बंदा हो सकता है जिम भी जाएगा. तो इसलिए उन्होंने मुझे टारगेट ऑडियंस समझ के फिर से ऐड दिखाई, वहां पे भी उनका एल्गोरिथम बिल्कुल सही था. कुछ इस तरीके से आपको डेटा को यूज किया जाता है आपको ही ट्रैप के अंदर फंसाने के लिए.